हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद वैसलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है MBBS, BDS, BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जैसे आज एक्सपेक्टेड था कि शाम तक प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, हालांकि जो फाइनल रिजल्ट था उसकी डेट थी 23 अगस्त, लेकिन आपको पता होगा कि जो फाइनल रिजल्ट होता है उससे एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है। तो प्रोविजनल रिजल्ट की एक्सपेक्टेड था कि आज आ जाएगा, लेकिन जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। अब फिर से जो स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चॉइस अनलॉक करके कॉलेजेस को ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल अपडेट को डिस्कस करेंगे और क्या रीज़न है और अब क्या एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट कब आएगा, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ऑलरेडी जो ऑल इंडिया कोटा आयुष की काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है, तो जितने स्टूडेंट उधर भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे MBBS के साथ साथ आयुष काउंसलिंग में ट्राई करना चाहते थे BAMS, BHMS और BOMS के लिए, वो लोग कर सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, उसका शेड्यूल का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स के सेक्शन में नोटिस देखेगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं नोटिस जो है जिसमें आपको कहा गया है कि जो चॉइस लॉकिंग है और चॉइस फिलिंग है उसको अपडेट कर दिया गया है, मतलब दोबारा से आप जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कुछ देर पहले ही आया है, तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को रिसीव हुई थी ESIC, OCI कैंडिडेट से और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से, तो उसकी वजह से जो चॉइस फिलिंग है उसको दोबारा से ओपन कर दिया गया राउंड वन के लिए। आज यानी 22 अगस्त 2024 को 4 बजे से लेकर आप 11:59 तक जो है अपनी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। जो लोग पहले चॉइस लॉक कर चुके थे उनको पहले चॉइस अनलॉक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है अपनी चॉइसेस में जो चेंज करना चाहते हैं, कॉलेजेस को ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ बोला गया है कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू एडिट देयर चॉइसेस, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, जो लोग चाहते हैं अपनी चॉइसेस को एडिट करना या कुछ चेंज करना तो वो जो है अपनी चॉइसेस को अनलॉक करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको कि क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे ये भी अभी कुछ देर पहले आया, इसमें अर्जेंट अटेंशन टू द कैंडिडेट, यहाँ पर बोला गया विदड्रावल और ऑफ MBBS सीट्स। तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे काउंसलिंग चलती है MBBS की या किसी भी कोर्स की, जो सीट्स हैं वो ऐड भी हो सकती हैं, डिग्रीज भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन सिनेरियो। तो यहाँ पर अभी जो बोला गया है वो सीट्स डिक्रीज़ हो गई हैं और कुछ कॉलेजेस की सीट्स रिमूव हुई हैं और एक कॉलेज भी रिमूव हुआ है, उस वजह से जो चॉइस फिलिंग उसको रीओपन किया गया है। जो ASIC और PGIMR बेंगलोर उसकी जो AIQ की MBBS की सीट्स हैं वो डिक्रीज़ हो गई हैं, EWS से 1 सीट निकली है, OBC से 2, SC से 1 और अनरिजर्व से 3 सीट्स निकली हैं। जबकि जो नर्सिंग वाला कॉलेज था भोपाल मेमोरियल कॉलेज रिसर्च सेंटर भोपाल, इसकी सभी सीट्स को जो है निकाल दिया गया, मतलब पूरा कॉलेज जो है इसको चॉइस फिलिंग से हटा दिया गया। उसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस हैं उनकी जो चॉइस फिलिंग है वो उसी अकॉर्डिंग है, सीट मैट्रिक्स जैसे आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि अगर आप चाहते हैं किसी भी चॉइस फिलिंग में चेंज करना, अपडेट करना, तो आज 11:59 तक कर सकते हैं, यहाँ पर नोटिस आ गया है। अगर बात की जाए प्रोविजनल रिजल्ट की तो जो एक्सपेक्टेड आज था अब तो नहीं आएगा, ये तो 100% है, क्योंकि आज पूरा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो अब कल जो है, कल एक्सपेक्टेड है सुबह में ये प्रोविजनल रिजल्ट को दे दें। तो प्रोविजनल रिजल्ट अगर सुबह में 10 बजे तक आ जाता है तो आप उसके बाद मान के चल सकते हैं कि शाम तक जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोविजनल रिजल्ट मॉर्निंग में आ गया, अगर इतना प्रोसेस इन्होंने फास्ट किया तब शाम में जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अगर लेट प्रोविजनल रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल दोपहर या शाम तक आता है कल को, तो फिर इनको जो रिजल्ट है उसकी डेट बढ़ानी पड़ेगी, यानी एक दिन आगे जो है शेड्यूल मूव कर जाएगा। उसी हिसाब से फिर आपका अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने का प्रोसेस और कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस भी आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं, अगर सुबह में सुबह ही आ जाता है तो आपको अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाएगा, या फिर अगर लेट से आता है तब भी अपडेट यहीं मिलेगा, और जैसा रहेगा आपको अगर डेट्स आगे बढ़ती हैं उसके बारे में बता दिया जाएगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, थैंक यू।